बच्चों के लिए चावल। आग वही 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 इस बार वो टाइम में पहले ही बरसात वगैरह भी नहीं तूफान का। ये देखो मैंने छत के ऊपर था, मेरे पे वो यार बिजली चमक रही है। ये भाई कौन सा टाइम है परांठे बनाने का? आज बन रहे हैं डिनर में परांठे। क्या आप में से किसी ने भी खाए हैं कभी डिनर में परांठे? अगर खाए हैं तो पक्का कमेंट में जरूर मेंशन करना कि हमने भी खाए हैं। आप इतने खुश इसलिए हो रहे हैं ना, ये मेरे पति क्योंकि इन्होंने सब्जी नहीं लाई है कुछ भी, बोला जो है घर पे उसको बना लो। तो घर पे थे आलू और बच्चों के तो फेवरेट होते हैं आलू के परांठे में, क्या आलू के परांठे बना देते हैं डिनर में। तो बस आलू के नहीं है वैसे, आलू प्याज के हैं ये, क्योंकि प्याज मैंने ज्यादा, मुझे ज्यादा प्याज वाले परांठे अच्छे लगते हैं ना, मतलब आलू में खूब सारा प्याज होना चाहिए, तो इसलिए खूब सारा प्याज काट लिया मैंने। चल ठीक है बना बना, तो फिर मैं भी थोड़ी हेल्प करता हूँ। आपको तो खानी ही नहीं है, आप प्रेज नहीं भाई, प्रेज आज के दिन तो खा सकते हैं सब। नहीं नहीं आपको प्रेज कराएंगे ऐसे, नहीं आलू नहीं, देसी घी में बना देते हैं। कहाँ देसी भी खा लूंगा मैं, नहीं देसी तो नहीं खाऊंगा ना मैं, ऑयल में खाऊंगा। ऑयल में नहीं, इसमें पी मार्का वाली में आप खाएंगे। आप भी बोलोगे ना कि डिनर में परांठे कौन खाता है, लेकिन जब कोई ऑप्शन ना हो ना आपके पास और कोई सब्जी भाजी लेकर के आए नहीं हो, या फिर जो सब्जी बनाने वाला है उसका मन नहीं है कि सब्जी बनानी है आज, तो ये एक शॉर्टकट जैसा तरीका हो जाता है और खाने में भी टेस्टी होते हैं। मतलब परांठे तो हर किसी को पसंद आते ही आते हैं। मैं क्या करती हूँ, कई बार अगर सब्जी सबको पसंद नहीं आती ना तो उसका भी परांठा बना करके सबको खिला देती हूँ। यहाँ से खाओ। हाँ जी, किस तरह मिल रहे हैं मार्केट में? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो मिल रहे हैं मार्केट में का फल। ये कमरू ना खा तीत खा रहे जंगल से। हाँ तीत खाए लग रहे मिलने आजकल। आज सुबह सुबह ही पतिदेव का फल लेकर के आ गए। एक्चुअली आज हमें फंक्शन है एक गांव में ही, तो लंच वहीं पे होना था। मैं क्या ब्रेकफास्ट भी जुगाड़ू ही बना लेते हैं और आज छुट्टी करते हैं हम लोग किचन से। तो मैंने इनको बोला मैं क्या ब्रेड ही लेकर के आ जाओ, मैं सैंडविच बना देती हूँ। जब से वो चीज़ स्लाइस वाले सैंडविच बनाना शुरू किए हैं ना, तो बच्चों को बड़े पसंद आए। शानवी ने बोला कि भाई वही खाने हैं, और शान भी अगर किसी चीज़ की डिमांड करे और वो पूरी ना हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो ये किसी चीज़ की डिमांड करती है, कुछ भी दे देना इसको, बस आधा जैसा खाएगी, थोड़ा सा चखेगी और फिर उसको या तो इधर उधर फेंक देगी या तो ऐसी जगह छुपा करके रख देगी, फिर बाद में बताएगी कि अच्छा ये वहाँ है, जब पूछूँगी मैं कि हाँ प्लेट कहाँ है तेरी या फिर गिलास कहाँ है। तो ऐसा ऐसा है। फिर मैं क्या, ठीक है भाई यही बना देते हैं, शॉर्टकट है, सबको पसंद आएंगे। हाँ पति देव के लिए हम ये चीज स्लाइस का यूज नहीं देख करेंगे। सकते हो आप, इनके सैंडविच रेडी हैं। चलो जल्दी से खा लो इसके मुंह में, तो जैसे कैसे लार टपक रही है। क्यों भाई हेमी टू राजा, लार टपक रही है क्या फेस पे? चलो तो बैठो आराम से खाओ। दूध लाऊं या चाय? ब्रेकफास्ट हो गया और उसके साथ ही फिर हमारी तैयारी भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि दिन में ना फिर धूप बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, मैं क्या थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। और ये वाला सूट मैंने फिर आज निकाला, काफ़ी दिनों से ट्रंक में पड़ा हुआ था। लाइट कलर है और धूप में इस तरह के कलर अच्छे लगते हैं। कहाँ तैयार हो रहे हो? बनरा से कने मन जाए राय गिरा होना तीतर बदन लोडिंग रहा क्या फंडा था से बनी था गिरा था आद। ये हो गई तैयार, देखो ज्यादा वक्त नहीं लगता इनको, बस एक घंटा दो घंटे में तैयार
बोलते हैं छोटी है ना ये तो बोले मुझे थोड़ा सा अलग पहना हुआ है ना अभी पहन ले अलग पहन ले पर मैं क्यों उसके लिए अलग पहनने के लिए ना इटा थोड़ी सेहत भी तो होनी चाहिए। हाँ दूध पीना पड़ता है बॉर्नविटा के साथ में फिर कर चल आज खत्म हो गया तो आज लिया खत्म है। और तू कौन सा भी बॉस बोलते मिट्टू ने पिया तब खत्म हुआ मिट्टू को बोलता हूँ मिट्टू मिट्टू ओ मिट्टू जल्दी आओ बेटा जा रहे हैं जल्दी क्रीम लगा लो जल्दी आ जाओ जल्दी आओ चलो जल्दी करो ये देखो मिट्टू तो पहले तैयार हो गया है मिट्टू तो हमेशा धूप वाली लगाता है ये हो गया मिट्टू तैयार मिट्टू कब का हो गया तैयार आधे घंटे का अच्छा अच्छा आधे घंटे का दो घंटे का और मिठे किथे किथे चल रहा सी अरे मैंने भी दस देवे भाई कभी कभार तो इतने सारे लोगों के बीच जाने का मौका मिलता है तो ढंग से बन के जाना पड़ता है। और ये वाली झुमका के बारे में आप पूछ रहे थे कि अच्छे से इनका डिज़ाइन दिखाना तो ये देखिए गोल्ड के हैं ये और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है मुझे बहुत पसंद है सीरियसली आपको बताऊं जब मैंने देखा था ना इनको तो पहली नज़र में पसंद आ गए थे और मैंने ले लिए थे। थोड़ा सा हैवी हैं इस वजह से मैंने इनको चेन भी लगवा रखी है। और यहाँ से इनकी एक खासियत बताऊँ ना तो यहाँ से आप इनको ब्रेक कर सकते हैं और अगर एज ए टॉपर्स पहनना चाहें तो उस तरीके से भी पहना जा सकता है। कभी कभार तो मुझे मौका मिलता है ना पहनने का रोज़ रोज़ तो मैं भी नहीं पहनती रोज़ रोज़ तो वही पहनती हूँ जो पहने होते हैं तो अब देखो इतना अच्छा सूट पहन लिया है अगर इसके साथ थोड़े से हैवी जैसे इयर रिंग नहीं होंगे तो ये कोई अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना इसलिए थोड़ा इसलिए मेरा सूट भी दिखा दीजिए थोड़ा। हाँ जी जी देख लीजिए मेरा सूट भी ये देखिए इस तरह का ये शरारा है और पूरा ये इस तरह बहुत अच्छा है और ये मेरी चूड़ियाँ मेरे पास पिंक कलर की नहीं थी ना तो ये पीच कलर की पहन ली। हाँ तो जो चूड़ी थी उन्हें सारे एक एक कंगन डाल के मिक्स कर देते हैं ये देखो माँ और बेटी कैसी इतने घंटे से तैयार हुई है तो कैसी लग रही है ये ना मेरे पति बहुत जलते रहते हैं वो भी टाइम लगा देते हैं भाई अब लेडीज अगर देखो गहने पहनने होते हैं फिर थोड़ा मतलब लेडीज को हाँ चूड़ी पहननी होती है तो थोड़ा सा तैयार होकर के ऐसा ही होता है ना थोड़ा दे दो जी अच्छा दीदी दीदी जल्दी मैं एक और चीज दिखाती हूँ आपको आज ना मैं अपना कोई बैग बुक नहीं ले जाने वाली मैं इसी में डालूंगी अपना क्या बोलते है उसको फोन और ऐसे अच्छा लगेगा एक और भी ऑरेंज कलर का मैं बोल लेती हूँ ये रेड अच्छा होता है रेड वैसे ये मैं पकड़ लूंगी तैयार हो चलो 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 जल्दी करो मिट्टू का देखो देखो अच्छा मिट्टू वो क्यों कर रहा है एक बार देख ले पर ये इतना अरे देख के दरवाजा बंद है नहीं पर की है देख के मिट्टू परे वाला हाँ आ गया जी आ गया तुम्हारे पापा धूप में ना जा आ जाएंगे पापा इधर ही मिठू छाए में खड़े हो गर्मी ओह माय गॉड आग बबूला हो रहा है आग बबूला नहीं है गर्मी कहाँ है रे गर्मी नहीं है रे तो गर्मी कुछ नहीं होती है बस काम ही काम दिखता है क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है ठंडी ठंडी हवा नहीं लू जैसा लग रहा है ठंडी नहीं लग रही है गर्म ही लग रही है गर्म हवा है।
गर्म हवाएं। तभी तो घर से बाहर निकलते हैं ना, तब पता चलता है कि बाकी गर्मी है सर्दी है, हमें घर में नहीं लगती ना हमें गर्मी। हाँ वही वही है, कंबल लेकर के सोते हैं रात को। वही है, ये देख सकते हो ये खेत ही खेत है। चलो चलो चलो, क्या हुआ? कौन सी बात पे हंस रहे थे? अभी बाद में आपको बताएंगे ना, हमें भी बता दो थोड़ा सा। चलिए अभी आप आ जाइए, नहीं तो आपको बात नहीं मिलना। ओ बात तो मिली। हाँ अभी हम जा रहे हैं फंक्शन में, तो ये ना वंदना एकदम इसको इतना जल्दी लगा हुआ है, देखो मेरे से आगे निकल। ये देखिए यहाँ पत्थर है, और पत्थर इतने खतरनाक है कि अगर कहीं लग गई ना तो बस फिर क्या हुआ। ये देख सकते हो आप, और ठीक है चलिए। हाँ जी हाँ जी, चलो चलो अभी भूख लगी तो हम डायरेक्ट खाने पे ही चलेंगे, रेस्ट बड़ भारी हुआ। हाय नहीं ताई बोलती रही थी हम तुझसे, तो थोड़ा छोड़ के करा बच्चों के लिए चावल। जल्दी आ जा शानवी, क्या कर रही बेटे, आगे रास्ता गिर जाएगी। मैंने मोबाइल के लिए मना किया ना, मोबाइल का दे, मोबाइल दे मेरे पास में। और देखो यहाँ पे सुना लाइट ऑन ही रही ताई है, ताई ये ले अब भी वही सेम ही। तो अब यहाँ पे बाहर ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो मैंने सोचा कि ये अंदर ये है डाउन फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ ठंडा कमरा है ये। हाँ वही वही बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी है। अब थोड़ी देर खाना खा लिया है जरा, अब जो काम करते हैं उनको गर्मी नहीं लगती है, पता है हम अंदर वाला काम करते हैं। हाँ वही वही एक दो दिन नहीं, अभी थोड़ा घूम जाए बात ना, मैगजीन लिख दी बैठे वो बड़े बड़े गर्मी है। हाँ हाँ हाँ, जहाँ जहाँ इसके गाड़ी के वो दिखाई दे रहे हैं ना, इधर भी जाओ चाहे इधर कहीं से भी, जहाँ छाए छाए हैं वहाँ से। तो उस टाइम अभी हम जा रहे हैं घर, घर एक्चुअली मतलब अभी हो गया हमारा लंच वगैरह, खाना खा लिया और थोड़ी देर हमने रेस्ट किया वहाँ पे बैठ के, तो अभी वहाँ गाड़ी खड़ी की है हमने रोड पे। अभी ना बहुत ज़्यादा गर्म गर्म हवा आ रही है, और हम वहाँ नीचे बैठे तो वहाँ पूरी एसी वाली फीलिंग आई हुई पूरी की पूरी। वो यार बड़ी भारी ठंड नहीं गर्म चल रही, चाची की बात सिरा ले देख ले राम माने तो देख बाहर रोड है वहाँ सामने दुकान है। हाँ। जब दिल करेगा मेरा बच्चा है ना, एड़ा करे दादू। चलो ठीक है तड़े चला है ना, बना ओ पकड़ा चले रही है। मेरा समान नहीं कोई नींदा हो भाई, ओ मिंजो सवारी ये क्या गिरा? हाँ जी बोलिए जी। मौसम टोटली चेंज हो गया, एकदम नीचे गर्मी थी और यहाँ पे देखो बिल्कुल ही लग रहा है बारिश होने वाली है ठीक ठाक। आहो जी आहो,
बारिश तो होने वाली है, यही मेरे पास ले चाबी। हाँ अम्मी तो सिरा लगी पी पीड़ा टन 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 करने ईते चले इतने अंदर ही जी बो इतने एक ही है सट्टा जी मेरा बैग। और कुछ तूफान चला हुआ है मिठू शानू कहाँ है सब आ जाओ अंदर बाहर मत निकलना बेटे बहुत तूफान चला हुआ है जोड़ों का ये देखिए मेरे ना सिर में हो रही है बहुत ज्यादा दर्द तो मैं बैठी थी यहाँ चूल्हे पे और अंदर वैसे भी मैं घर तूफान आ रहा है हट जाओ शानी बेटे हट जाओ पता क्या कुछ भी गिर सकता है यहाँ से ये देखो बहुत ज्यादा तूफान है शानवी को बुलाओ यहाँ पे शानवी जल्दी है बेटे ऊपर कोई भी चीज गिर सकती है तुम्हारे ऊपर जल्दी आ जाओ बेटे बच्चे देखो मानते नहीं बिल्कुल भी ना बहुत ज्यादा मैं ऊपर वही 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 ये देखो मैं भी छत के ऊपर था मेरे पर वो यार बिजली चमक रही है बहुत तेज तूफान है बहुत ही तेज बिजली चमक रही है ये देखो अभी बारिश होने वाली है एक ही साइड है होना चाहिए दर्द ही अभी तू तार लेने थे ना आज मैं इसको खोल देती हूँ चला जा ये बहुत तेज बारिश है गंभीर दौड़ा मिट्टू आने साइकिल भीग रही है वेरी गुड खराब कर दे इसको धुल जाएगी अब तो धुल ली जाएगी